छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट, भर्ती निकल कर आ रहा है। आप सभी लोगों के लिए व्यापम में 390 पदों पर भर्ती निकला है आपका छात्रावास अधीक्षक के। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि व्यापम में सबसे बड़ा पोस्ट है छात्रावास अधीक्षक का। एक बार यदि आप छात्रावास अधीक्षक बन जाते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, आपका लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगा। तो व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो पीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, सीजीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यापम के भी सिलेबस देखिए। आप जो है यदि सीजीपीएससी में प्री को, मेंस को और उसके बाद देन इंटरव्यू, इन सभी को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं किया है, उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना जो है शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ना है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको करना है, सिलेबस जो है क्या होता है, कितने प्रश्न जो है पूछे जाते, किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक डिटेल से इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को हर जानकारी इजीली मिल जाएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। मैं आप लोगों को कंप्लीटली डिटेल्स बताऊंगा, पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बुक लिस्ट बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी समझ में आ गया कि आपको जो है कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनका बुक सिलेक्शन सही नहीं होता, वो इधर उधर की बुक पढ़ते हैं, और वो जो बुक से पढ़ाई करते हैं उन बुक से आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते। तो आपको ऐसे बुक से पढ़ाई नहीं करना, जो मैं बुक लिस्ट आप लोगों को बताऊँगा उन्हीं बुक्स में से आपके एग्ज़ाम्स में जो है छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर जो है भर्ती के लिए आपका उन्हीं बुक में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यदि आप इन बुक से यदि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हर एक डिटेल्स आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए निकला है, बात करेंगे इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, संपूर्ण डिटेल्स इस एक ही वीडियो में आप लोगों को जानने को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी कम्प्लीटली मिल जाएगा, एक भी जानकारी ऐसा नहीं होगा जिससे आप लोगों को जानकारी पता ना हो, कम्प्लीटली जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है यदि आप लास्ट तक वीडियोज़ को देखते हैं तो आप जो है छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना मैं आप लोगों को सभी चीज़ डिटेल्स में पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके पास कौन सा शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त आप जो है बोर्ड से, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड से, आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, और साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका एक वर्ष का कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, पांचों में से कोई एक आपके पास जो है होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य है, 12वीं पास और कंप्यूटर के एक वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास तो एक वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है, तो क्या हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट जिनके पास जो है कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन है उनको ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, उनको जो है ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है आपसे कहीं ज़्यादा। और जब आपका जॉब लग जाएगा तो आपको एक वर्ष का टाइम दिया जाता है कि आप जो है कोर्स कंप्लीट करके दे सकते हैं, लेकिन ये SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को दिया जाता है, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को नहीं दिया जाता। तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। यदि आप डिप्लोमा कोर्स नहीं करते हैं तो आपका यदि सिलेक्शन भी हो जाएगा फिर भी आपका सिलेक्शन को रोक दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके स्थान पर किसी अन्य स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इन चीज़ों को आपको जो है समझना पड़ेगा। बात करें आयु सीमा की, तो छात्रावास अधीक्षक में मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होता है।
सैलरी की बात करें कि कितना सैलरी मिलेगा, तो इसमें 21,500 रुपये आपको सैलरी दिया जाता है। चयन प्रक्रिया आपका जो है सीधी भर्ती होता है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। बात करें अब सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका एक अंक का होगा, और इसमें आपको 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि यदि आपने एक प्रश्न, यदि आप हर प्रश्न टिक कर रहे हैं, तो यदि आपका 4 प्रश्न गलत हो गया तो उसके साथ आपका जो है एक नंबर कट जाता है। 4 प्रश्न गलत करने पर आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा, इसी को बोलते हैं आपका निगेटिव मार्किंग। 1/4 आपका जो है निगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको कम्प्लीटली बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन से राइटर्स का पढ़ना चाहिए, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी आसानी से मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे जितने भी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट वैकेंसीज प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए कभी हार नहीं मानना है। कुछ चीज़ों की बातों को आपको अपने मन में रखना है, आपको कभी हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। मैं जानता हूं कि हर एक स्टूडेंट जब कोई भी जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई करता है, फॉर्म फिलअप करता है, एग्ज़ाम देता है, तो कई बार असफल होते हैं। आप जो है असफल होंगे, आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो है खुद की काबिलियत पर आपको जो है शक नहीं करना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैंने अच्छे से मेहनत नहीं किया। आपने यदि 100% अपने एग्ज़ाम्स के लिए दिया, 100% एफर्ट दिया है और यदि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको खुद के काबिलियत पर आपको कभी शक नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास आपको बढ़ाना है। और एक चीज़ और, आपको खुद को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो खुद को दूसरों से कंपेयर करने में लग जाते हैं, और खुद को जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप में जो कैपेबिलिटी, क्वालिटी, काबिलियत होती है उनको भी आप जो है खो देते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूवमेंट कीजिए और खुद पर भरोसा रखना है। आपको किसी और के बारे में आपको नहीं सोचना है कि कौन स्टूडेंट कितना पढ़ाई कर रहा है और उनका 10th 12th में क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। कभी भी जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और के बारे में आप मत सोचिए, सिर्फ अपना देखिए कौन स्टूडेंट कितने घंटे की पढ़ाई कर रहा है, कौन रात में पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी रात में पढ़ाई करूँगा। इन सभी चीज़ों को आप जो है अवॉइड कीजिए। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जितना समय आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप दिन में पढ़ाई करते हैं तो दिन में कीजिए, रात में यदि आप पढ़ाई कर सकते हैं तो रात में कीजिए। अपनी कैपेबिलिटी देखिए कि तुम आप जो है क्या कर सकते हो। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप में जो है अनगिनत कैपेबिलिटी है, अनकंडीशनल कैपेबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, तुम यूनिक हो, इस बात को समझिए। कोई स्टूडेंट यदि 85-95% वाला है फिर भी उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप में अलग ही कैपेबिलिटी है, इस बात को समझिए। आप एक अलग ही हो, एक यूनिक हो, आप जो है कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आप लोग चाहते ही नहीं हैं कि आप कुछ करें और खुद के बारे में आप लोग सोचते ही नहीं हैं, बस दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो स्टूडेंट ऐसा है, उन स्टूडेंट के इतना नंबर आए, उन स्टूडेंट का ऐसा नंबर आए, आप खाली दूसरों के बारे में सोचते हैं। कभी आधे घंटे खुद के बारे में सोच कर देखो कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कौन सी कैपेबिलिटी क्वालिटी है कि तुम जो है ज़िंदगी में अपना कौन सा वैल्यू ऐड कर सकते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, इतना पैसा खर्च करके तुमको पढ़ा रहे हैं। तो उन चीज़ों को आपको जो है समझना है। दूसरों से कंपेयर मत करो, जिस दिन आप खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करोगे उस दिन आप जीत जाओगे और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जो है छात्रावास अधीक्षक बन जाएंगे। मैं आप लोगों को मोटिवेट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन एक समय के बाद ऐसा होता है कि वो गिव अप कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। तो आपको जो है हार नहीं मानना है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, वहीं अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से, छत्तीसगढ़ बेसिक जनरल नॉलेज से 20 अंकों का 20 प्रश्न पूछा जाएगा। गणित मैथ्स से 20 अंकों
लोगों का 20 प्रश्न जो है आता है। कंप्यूटर्स का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपका 50 में 25 नंबर नहीं लाता तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका चयन जो है नहीं हो पाएगा। बात करते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको कौन से बुक्स लेना है। तो कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग आता है आपके टॉपिक में, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हो गए, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजर जेट प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एमएस डॉस, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, शॉर्टकट किस, फुल फॉर्म्स, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे फुल फॉर्म्स की बात करें तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूपीएस के बात करें तो यूनिट रक्ट, पावर सप्लाई, तो ये आपका फुल फॉर्म्स हो गया। वहीं बात करें हिंदी के तो हिंदी से भी आपके एग्जाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो आपके व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंप्यूटर्स की बात करते हैं कि कंप्यूटर्स के लिए आपको जो है कौन से बुक लेना है। तो कंप्यूटर्स के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। इससे आप यदि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका 50 में से 45 नंबर, 25 नंबर तो ज़रूर आ जाएगा। तो आप जो है 50 में से 40 से 45 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें सभी चीज़ पूरा डिटेल्स में आपको दिया गया है। तो जो है आप ले सकते हैं परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय। अब बात कर लेते हैं कि वो बुक आपको कहाँ मिलेगा। तो उस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। वहीं हिंदी के बात करें जिसमें आपका पूरा व्याकरण आएगा, तो हिंदी के लिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, संधि विच्छेद, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक आपको लेना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। वहीं इंग्लिश की बात करें जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस वाइज, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ड, नॉन फिनिट वर्ड, बाय, ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम्स में जो है इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सिंह, दिशा पब्लिकेशन की आपको लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको टुटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। इसके साथ ही आपको टुटेजा ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है। ये प्रश्न बैंक जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको MCQ क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, लगभग 5000 MCQ क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। समसामयिक घटनाक्रम की बात करें तो इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले तो विकास परक का मासिक पत्रिका लेना, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना, तो छत्तीसगढ़ के लिए दोनों आपको करंट अफेयर्स लेना, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपके अन्य सब्जेक्ट के, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी हो गया। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। गणित की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग के लिए तो मैथ्स जिसमें बीज गणित, अंक गणित और महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, बहुलक, आयात, शंकु, ज्यामिति, क्षेत्रफल, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स। तो मैथ्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाएगा। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सभी जानकारी जो है डिटेल्स में आपका दिया रहता है, क्योंकि उसमें रीजनिंग में आपका तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंगणित आता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उन मुश्किल को सॉल्व करने के लिए अरिहंत का आपको जो है मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल दिया रहता है। तो जितने भी बुक्स हैं, और वहीं कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो इसके लिए आपको M. लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना, और जनरल साइंस के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक। तो इन सभी बुक्स का लिंक पूरे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, जहां से आप जो है परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। और हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो है आपके जल्द ही वैकेंसीज जो है निकलने वाला है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करना जो है शुरू कर दीजिए। और यदि आप अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन उन स्टूडेंट का होता है जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं। आप लोगों को भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, ऐसा नहीं कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक दिन टाइम टेबल शेड्यूल बना लिए, उसके बाद 15 दिन पढ़ाई किया, फिर 16 दिन उसके अगले दिन आप गैप कर लेते हैं, फिर से आप कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसे में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक आप जो है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए और आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में अनगिनत कैपेबिलिटी है, कुछ भी कर सकते हो। बस खुद को पहचानो कि तुम कौन हो और सभी चीज़ों को अवॉइड करो। जो भी तुम्हारे पढ़ाई के रास्ते में आ रहा है उन सभी चीज़ को अवॉइड करो। सिर्फ अपना लक्ष्य, अपना गोल, सिर्फ अपना ड्रीम्स जो है तुम्हारे पढ़ाई में और ज़िंदगी में कुछ करने का, आगे बढ़ने का, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, उन पर टारगेट कीजिए। किसी और चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही नहीं। सोचना क्यों है? जब आपने सपने देखे तो सपनों को पूरा करने के लिए देखे, उसके बाद आपके पास टाइम है, आप जो भी करें उसके बाद। अभी अपना सपना देखिए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। और जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर्स के, इंग्लिश ग्रामर का, डेली का, करंट अफेयर्स, जीके का, इन सभी के लिए, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग जो है कमेंट नहीं करते और वीडियोज़ को सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कंप्यूटर्स के वीडियोज़ चाहिए, इंग्लिश ग्रामर की, जीके के, करंट अफेयर्स के, डेली का। तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी यदि ऐसे से कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है लेकर आऊँगा, ताकि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज बहुत बहुत बेहतर तरीके से मिल सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखे। सो थैंक यू आप सभी लोगों का। सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आसानी से आप जो है परचेज़ कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप लोग सफल जरूर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।